है डॉक्टर रेमे जमादार, प्रेसिडेंट अलेमिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, आजमनगर बेलगाम, आपसे मुखातिब हूँ। ये सोसाइटी का एक मुख्तसरन और सरसरी नक्शा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सोसाइटी का आगाज 1983 में पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन हुआ और इसके मातहत अलमीन हाई स्कूल आजमनगर का इफ्तिताह हुआ। अब जब स्कूल्स और सोसाइटी ने आगाज़ किया तो उसका मकसद एक ये था कि तालीम को लोगों के नज़दीक और उनके घरों के नज़दीक ले जाया जाए। स्कूल शुड बी नियरर द लोकेलिटीज़, इस ख्याल से जो उसका आगाज़ था। और आजमनगर एक ऐसी लोकेलिटी थी उस वक्त जो शहर से काफ़ी दूर थी और वहाँ के बच्चों के दूसरे स्कूल्स को जाने का इंतज़ाम नहीं था। चनानचे हम बशीर अहमद इनामदार और नासिर जमादार का सजेशन ही आया कि आप हम बिल्डिंग आपको देने तैयार हैं स्कूल के लिए अगर आप कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपके जो भी सजेशन है कबूल करते हैं हम और उसके लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है हुकूमत से कर्नाटक से अप्रोच हुई और स्कूल की परमिशन भी मिली और उसका आगाज़ 10 अक्टूबर 1983 को आजमनगर में इनामदार साहब के मकान पर ही आगाज़ हुआ। आज उस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने जिस लिहाज से उस काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की, अल्लाह ताला उनको जो खैर में ऊँचा मकाम अता फरमाए। तो इसका आगाज़ था और इसके बाद जो है बेलगाम के हालात का जायज़ा लिया हमने और एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया मुस्लिम मुख्तलिफ उर्दू स्कूल्स का और मुख्तलिफ मुस्लिम लोकेलिटीज़ का एक सर्वे किया गया और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ पूरे कर्नाटक में उर्दू TCH कॉलेज नहीं है। चनानचे प्राइवेटली TCH कॉलेज खोलना बहुत मुश्किल मसला था, तो हमने उस पर काफ़ी जद्दोजहद की और हुकूमत से हमने उर्दू TCH बेलगाम में खोलने के लिए परमिशन हासिल की और वो भी जो है अक्टूबर नवंबर में परमिशन मिला 1986 में, 1986 में, और 1987 से इसका आगाज। तो ये पहला अदारा था उर्दू TCH का या ट्रेनिंग का टीचर्स का और उसे बहुत बेहतर तौर पर कौम ने भी और उर्दू दान तबके ने उसको बहुत सराहा और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो कॉलेज से तकरीबन आज तक जब तक कॉलेज शुरू था तकरीबन 970 बच्चे जो है वहाँ से ट्रेनिंग होकर पास होकर गए 970 और सब के सब एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट स्कूल्स में सबको मिला हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा हुआ। फिर इसी तजुर्बे ने हमें ये ताकत दी कि उर्दू की खिदमत के लिए और मुसलमानों की जो एक तबका तालीम से काफ़ी दूर है उसके तालीम उनके घर के नज़दीक ले जाने के लिए पेरिफेरल सिटी में जो है हमने स्कूल शुरू किए। उसमें आज़ाद नगर भी है, किला भी है और MK हुबली में भी है और यहाँ पर जो है स्कूल्स भी है, प्राइमरी स्कूल चलते हैं और अब गवर्नमेंट से एड भी हुआ है। सैलरी जो गवर्नमेंट की है इस्तेदा को ग्रांट इन एड में दाखिल किया गया। तो बहुत सारा एम्प्लॉयज में भी एक एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिली और उसके बाद जो है 1991 से 1992 में PUC कॉलेज का इफ्तिताह हुआ है। फिर 2002 में जो है BCA कॉलेज खोला गया कर्नाटक यूनिवर्सिटी के मातहत लेकिन हम उसको पूरी तरह रन न पाए और 2002 में ही जो है पैरामेडिकल कॉलेज का भी आगाज़ हुआ है और माशाल्लाह पैरामेडिकल कॉलेज यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स इन मेडिसिन मेडिकल टेक्नोलॉजी
का आगाज हुआ, एक ऑर्गेनाइज कोर्स है कर्नाटक गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आज 22 साल हुए हैं, 22 बैचेस यहाँ से निकल गए हैं, और काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी मुसलमान बच्चे भी इसमें एडमिशन हुआ है, और बहुत सारे बच्चों को बेलगाम में डीम्स में भी नौकरी मिली है, मुलाजमत मिली और भी जगह मिली हुई है, तो एक बहुत अच्छा कोर्स है। और आज के तो अब कोविड के दौर में इसकी बहुत अहमियत है, इसका बहुत डिमांड है, तो हमारी इस्तदा हमारे कौम के लोगों से और खुसूसन वो माँ बाप से जो शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं उनसे यही रहेगी कि इसमें आप दाखिला लीजिए, इससे गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और नहीं तो खुद भी ओपन कर सकते हैं, लेबॉरेटरी चला सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा मौका सुनहरा है, बेलगाम में कॉलेज है, लोकलिटी अवेलेबल है, तो लोगों को, लड़कियों को खास कर मैं कहूँगा कि आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और माशाल्लाह ये फुल कोर्स चला हुआ है, तो इससे भी कौम को बहुत फ़ायदा है। और उसके बाद हमने अटलनगर में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स गवर्नमेंट परमिशन के साथ शुरू किया है। ऐसा दौर जबकि बहुत सारे मुस्लिम अदारे खुले, लेकिन विदाउट परमिशन खुलने, ना परमिशन के बजाय उन्हें बंद करना पड़ा मजबूरन, लेकिन माशाल्लाह हमारी स्कूल रिकॉग्नाइज है कर्नाटक गवर्नमेंट से, अप्रूव्ड है, टीचर्स अप्रूव्ड हैं, टीचर्स क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और इन साल से तो हमने बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन लाया है और बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं, ताकि एक अच्छा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें एक क्वालिटी आ जाए। अब फ्यूचर प्लान के लिहाज से हमारी ये कोशिश जारी है कि बिल्डिंग का काम भी शुरू किया गया है अटोनगर में, ताकि नर्सिंग कॉलेज, BSc नर्सिंग के लिए जो है फाइल हमने पुटअप कर रहे हैं हुकूमत से, तो उनके जो तकाजे हैं हॉस्पिटल के और बिल्डिंग के, इंशाल्लाह हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन साल अप्लीकेशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया जा रहा है, और उम्मीद है कि इसमें हमें ज़रूर कामयाबी होगी। इसके बाद जब हॉस्पिटल बनकर पूरा हमारा तैयार हो जाएगा, तो इंशाल्लाह जो है मैं होम्योपैथिक या यूनानी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी होगी। तो ये इमीडिएट प्लान्स हैं जो विच विल बी कंप्लीटेड विद इन 3 to 5 years ऑफ टाइम। आई होप कि आपने मुझे अच्छी तरह सुना, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो इंशाल्लाह अगले इसमें भी हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपके बच्चों को एक बजट स्कूल से इसमें दाखिला लेने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह हमारी तरफ से मुकम्मल ताउन, हमारी सोसाइटी मेम्बरान की तरफ से भी आपको मुकम्मल ताउन रहेगा। और एक बात जो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में जिनका ज़्यादा ताउन रहा है, उसमें महाराष्ट्र के जो वज़ीर थे डॉक्टर मोहम्मद इसहाक जमखाना वाला, इनका बहुत बड़ा ताउन रहा है। इसीलिए स्कूल जो और कॉलेजेस की जो भी बिल्डिंग है हमारी अपनी है, उनका काफ़ी इसमें ताउन रहा, और डॉक्टर अब्दुल सलाम अत्तार ने इसमें हमारे साथ मुआविन व मददगार रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर दे और जन्नतुल मुकर्रमीन ऊंचा मकाम अता फरमाए। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम बिरादरान मिल्लत की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम मुश्ताक हुसैन फारूकी है। मैं अलमीन प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और हमारे मेम्बरान में ख़ासकर डॉक्टर मुश्ताक अहमद जमादार की ज़ेर क़्यादत में, और हमारे सेक्रेटरी अथनी अब्दुल गनी अथनी साहब एडवोकेट, और हमारे सीनियर बागसरा सर, और हमारे एमके सौदागर साहब एडवोकेट, ये एक हमारी टीम है, शकील मुजावर साहब, ये हमारी एक टीम है जो हम इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा काफ़ी विज़न जो है बहुत लंबा है और ऊंचा है। हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे कौम के बच्चों को हमारे इदारों में आला से आला तालीम हासिल हो और मिल्लत और सोसाइटी का नाम रोशन करें और अपना मुस्तकबिल भी संवारें। यही हमसे जो है हमें तमन्ना रखते हैं, और
और दूसरी बात, अहम बात, आज ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है पीछे की, ये जो है हमने बहुत मेहनत करके 1.5 एकड़ ज़मीन में, जहाँ पर ये अजमल पठान साहब ने हमारे को KIDB से दिलवाया था, आज यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी बिल्डिंग हमने बना रहे हैं और भी बना रहे हैं। इसका 3 फ्लोर है, इसका आगे का जो फ्यूचर है हमारा, नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, ये 2 हमारे मुद्दे हैं। इंशाल्लाह 2-4 साल में हमको इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अगर चाहा तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल, देखिए जो भी मेडिकल साइंस के कोर्सेज होते हैं उसके लिए हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। हमने 2 करोड़ का हॉस्पिटल जो है सिर्फ बिल्डिंग के लिए जो तामीर किया गया, प्लान तैयार है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसका तामीरी काम का आगाज़ करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये तामीरी काम भी हो रहा है। तो अल्लाह ताला हमारे को ये जो बिल्डिंग बनी है, IDBI बैंक से हमको जो है, इंटरनेशनल जद्दा बैंक से हमको 1 करोड़ रुपए एज ए ग्रांट मिला है। और इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली से भी हमने 15 लाख रुपए उठाए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अल्लाह रिसोर्सेस हमको मदद मिले। हम आज भी जो है कोशिश कर रहे हैं, आज भी हम IDBI को डाल रहे हैं कि, और हमारे मुखिर खैर हजरात जो अल्लाह ताला उनको नवाजा है, उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो हमारा ताउन करने में, हमारी जो इस मकासद में कामयाब होने के लिए मदद करें, ताउन करें, ताकि हम हमारे मकसद में कामयाब होकर कौम व मिल्लत के लिए सरे खम होकर उनकी खिदमत अंजाम दे सकें, यही हमारी आरज़ू है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सैफुल आलम एंड आई एम फीलिंग वेरी सरियल एंड एक्सटैटिक बिकॉज विथ अस इतिहाद न्यूज इज देयर टुडे एंड एज यू ऑल नो अलमीन इंडिपेंडेंट साइंस कॉमर्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज हैज स्टार्टेड इन द ऑटोनोग्राफी कॉलेज सिंस लास्ट 3 years वी आर रनिंग एंड वी आर almost having 100 students and last year we got 65% result of science as well as commerce. So inshallah we are hoping that next year we will cross 90% as well as, don't know, maybe by the grace of Allah azza wa jal we may have 100% also. Our vision is to empower and nurture young minds to achieve their dreams and their goals in their life. And we are having science and commerce college. In science we have a PCMB, that is physics, chemistry, maths and biology, as well as an option we have computer science for biology. In commerce we have business studies, economics, accountancy and computer science, and other languages we have, you can choose and you can come over here. आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आपके ख्वाहिशात होंगे, मतलब जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं आप लोग उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फीस जो है इट इज़ वेरी इकोनॉमिकली अफोर्डेबल, 90% एंड अबो स्टूडेंट्स वी हैव स्कोर्ड इन SSLC दे कैन हैव फ्री एडमिशन हियर। 90% से ज़्यादा जिनका भी परसेंटेज है उनके लिए फ्री एडमिशन है हमारे पास, और उससे कम जो लोग हैं उनके लिए बहुत 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 कम फीस है। लास्ट ईयर हम लोगों ने CET नीट का भी प्लान किया है, इंशाल्लाह हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इसके लिए बच्चों का जो पोटेंशियल है वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पिछले साल 2022 में आउट ऑफ 19 लाख ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, ओनली 9 लाख स्टूडेंट्स हैव क्रैक द नीट एग्ज़ाम। तो ये भी बहुत बड़ी बात है सोचने वाली, इसीलिए हमारी फ़ीस भी जो है वो बहुत कम है, और हम लोग फिर भी इस फीस के साथ भी बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करते हैं, और इंशाल्लाह CET नीट के लिए भी तैयार करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल दी एस्पायरेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू गेट एडमिशन इन साइंस एज वेल एज कॉमर्स, दे कैन कम ओवर हियर एंड हैव अ लुक, बिकॉज वी गॉट हाईटेक classes, that is we have interactive panel along with that which helps in the effective learning as well as effective teaching process, so that both way the conversation should be there, as the name interactive panel itself says that there should be interaction between the student and the teacher. Our spacious classrooms are there, transport facilities there, as well as ground is there, and experienced and qualified lecturers are there. 2 sets of lecturers we have this year, that is experienced as well as the full-time lecturers. Many expertise will come
every month, and they will guide the students for their future and their subjects. So thank you so much for having me here. Thank you very much. Jazakallah. So good morning everyone, this is Azhar Pillegar from Alameen English Medium School. I am the principal of this particular school. Just want to say that from this particular year, we have like changed so many things. I just suggest all the parents to come here and see our campus, especially Azad Nagar campus, because this year we have changed many things with regards to the painting, with regards to the artistic work, and from this year we'll be following the academics in different way, wherein we'll be following reading writing classes and providing reading writing classes for the students, and we'll be starting table classes. It means that most of the students who are studying in our schools nowadays, they don't know how to read and write when they come to fifth standard. But from this particular year, what we are doing, we are starting this reading and writing classes from first standard to fifth standard, wherein the kid will not have any problem to read and write when they reach to seventh or eighth standard. It will be easy for them. Apart from that, from 6th standard till 9th standard, from this year I am starting grammar classes, wherein it will be easy for the children to maintain and frame a sentences, which will help them in the 10th standard. No other school is following this particular system, but we at Alameen, we are following the system wherein we are going to teach the grammar for the students, wherein it will be easy for them to understand the sentence, frame the sentence and write in 10th standard. That is our motto altogether. If you talk about our campus, you can see, first of all, we are sitting here with all the permission. There are so many schools nowadays who are working and they are like lacking behind with regards to permission. But our school is 32 years old, and if you come here, I'll show you the permission letter and everything. So whenever any parent is trying to put any children in that school, first check out the permission. Later it will be a problem for your child. If you just see and come, the first and the foremost important thing for permission is playground. So we have our playground where all the things are settled and you can come and check our papers also. So I suggest and request all the parents of Belgaum city to come and meet me once at Belgaum Fort Killa. I'll be available here from 9 to 3 o'clock. You can come and meet me and just get the detailing. Doing admission in Alameen is secondary thing, but if you want any guidance and information from my side, I'll be ready to help you anytime, anytime. I'm the HM of Sign English Medium School. The school has classes from LKG to 10th standard. The infrastructure is very good. The teaching staff is very much qualified and well trained. The premises is very hygiene, very clean. And the school is situated in the Autonagar amidst the greenery. Here we have computer lab, science lab, and a well established library too.